उधर हरियाणा के रेवाड़ी में सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसका कारण है नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों व स्टाफ की कमी। अस्पताल में डॉक्टर न होने की वजह से अब मरीज अपने उपचार के लिए जाए तो जाए आखिर कहाँ। मरीजों से ठसाठस भरी ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की, जहां चिकित्सकों व स्टाफ की कमी के चलते दूर दराज से आने वाले हर तबके के मरीज परेशान हैं। जब हमने इनकी परेशानी का कारण जाना तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक महीने का समय दे रहे हैं तो क्या एक महीने के समय में आप इंतजार कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए? आज नंबर आया एक महीने बाद। क्या प्रॉब्लम बता दी आपको? गैस बढ़ गई है। नाम क्या है आपका? कमला। क्या नाम है आपका? कमला। आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कितना समय दिया जा रहा है यहाँ पर? एक महीना का दिया था। एक महीने का समय दिया। गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में आता है और उसे दो दो महीने एक एक महीने का समय दिया जा रहा है, ऐसे में कहाँ अब दो का दे रहा है, पहले एक का, अब ये एक का था, ये एक महीना हो गया है, ऐसे में परसों होगा एक महीना मेरे को, जब भी ना हो गया मेरा तो। ऐसे में कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत, आज आप यहाँ अपने बच्चों को दिखाने के लिए आए, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है? सर बच्चे के पेट में परेशानी है, उसको दिखाने के लिए मैं गरीब आदमी हूँ और फसल छोड़ के आया हूँ, और उसका अल्ट्रासाउंड बताया था डॉक्टर ने, और उसके लिए डेढ़ दो महीने की तारीख दे रही। अब अगर अल्ट्रासाउंड के बच्चे के पेट में पता नहीं चलेगा क्या बीमारी है क्या नहीं है, उसके लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा डेढ़ दो महीना, कैसे चलेगा सर ऐसे? यहाँ आने वाले मरीजों का कहना है कि अक्सर बीमारी की हालत में इलाज से पहले डॉक्टर मरीजों को अल्ट्रासाउंड और अन्य टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, लेकिन यहाँ तो इन सभी टेस्टों के लिए दो दो महीने का समय दिया जा रहा है। वहीं SMO भी मान रहे हैं कि नियमानुसार यहाँ 38 नर्सों की जरूरत है, जबकि इनके पास 17 ही है। कुल मिलाकर यहाँ चिकित्सकों की कमी है, लेकिन किसी तरह गुजारा चल रहा है। गर्मी का समय है और पेशेंट की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ऐसे में डॉक्टरों की कमी कितनी खल रही है यहाँ पर? डॉक्टरों की कमी तो खूब खल भी रही है, लेकिन जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं ना वो मन करके काम तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों से ज्यादा हमारे स्टाफ की कमी खल रही है। हमारे पास स्टाफ नर्स सिर्फ 17 है, जबकि एज पर रूल 38 होने चाहिए, तो वार्ड सारे भरे हुए हैं, स्टाफ की काफी कमी है, और बाकी जो सबोर्डिनेट स्टाफ है जैसे LT व जीडियोग्राफर, इनकी कमी ज्यादा करती है। क्या डॉक्टर्स तो खैर कर रहे हैं जितने भी हैं हमारे पास और ठीक ही हैं, लेकिन स्टाफ जो है, स्टाफ नर्स खासकर जो, वो बिल्कुल कम है और उनकी वजह से हमें काफी दिक्कत है। जिस हिसाब से लोगों का रुझान सब सिविल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा है, मिडिल क्लास अपर क्लास सभी लोग सिविल हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि डॉक्टरों की संख्या स्टाफ की संख्या सरकार को बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्टाफ की संख्या डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, लोग बाग हमें विश्वास करने लगे हैं और शायद उनके विश्वास पे हम खरे भी उतर रहे हैं, तो भाई जब काम करेंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी सर, लेकिन हम तो सरकार से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे भाई हमें स्टाफ नर्सें और बाकी स्टाफ जरूरत है। ऐसे में कब होगा इनका इलाज जिसकी अपेक्षा से वो यहाँ आए हैं? फसल का समय है जिससे इनकी साल भर की रोजी रोटी चलती है, लेकिन इनका अधिकांश समय अस्पताल के चक्कर काटने में गुजर जाता है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द नए चिकित्सकों और स्टाफ की भर्ती करे ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट।